बसमिल्ल वसलासल रसूल वल्हीसबन तबी अमन वालजिल्लमअआलमिनजीम बसमिल्लर वकीम तब्सिकरसूल तोम तलीम तस्किया ऑनलाइन प्रोग्राम का छठा सबक लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और पिछले सबक के अंदर हमने इस बात को बयान किया था कि वो कौन से ऐसे अमूर हैं जिनसे आदमी का रोज़ा टूट जाता है और आज जिस मौजू को आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि वो कौन से ऐसे अमूर हैं जिनके करने से आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे आदमी का रोज़ा नहीं टूटता पहली चीज़ जिससे आदमी का रोज़ा नहीं टूटता वो आदमी का गसल करना है कि आदमी जो है वो अपने बदन को ठंडा करने के लिए और जो है अपनी गर्मी जो उसको मौसम की शिद्दत की वजह से लग रही होती है उसको दूर करने के लिए जब आदमी गुसल करता है तो उससे आदमी के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस आदमी का रोज़ा टूट जाए दूसरी चीज़ जिससे आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी रोज़े की हालत में था और फ़जर के बाद या जहर के बाद उसने अपनी नींद पूरी करने के लिए वो आदमी सोया है और सोए हुए उस आदमी को अहतलाम हो गया है तो एहतराम से आदमी का रोज़ा नहीं टूटता बशर्त के वो आदमी बजात खुद जो है वो कोशिश ना करे अपनी मनी निकालने की तीसरी सूरत जिससे आदमी का जो है वो रोज़ा नहीं टूटता कि आदमी जो है वो खुशबू का इस्तेमाल करे लगा ले परफ्यूम लगा लें रसूल अलैहि वसल्लम जो है ऐसी चीज़ों को इतर को पसंद किया करते खुशबू को पसंद करते रसूल्ला वसलम की जो महबूब चीज़ें थी उनमें खुशबू लगाना भी था खुशबू सूंघने से या लगाने से आदमी के रोज़े के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगली चीज़ जिससे आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी मिसवाक का इस्तेमाल करे और मिसवाक ऐसी चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया असवा को मतराफी व मरदतल रब न के दो फ़ायदे हैं एक तो इससे आदमी के मुंह की सफ़ाई होती है और दूसरा आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाबिन के साथ खुशनुद्दी भी हासिल होती है और रसूल सभी फ़रमाया लऊला शुक्लामती लमर तुहम बसवा की आप ने फ़रमाया अगर ये बात मेरी उमत के ऊपर मुश्किल ना होती तो मैं अपनी उम्मत के हर आदमी को ये हुक्म देता कि वह हर वजू के वक्त जो है वो मिसवाक करें मिसवाक के साथ पेस्ट का इस्तेमाल करना इससे भी आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बशर्त ये कि वो पेस्ट जो है वो आदमी के मैदे के अंदर चली जाए तो इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए जब पेस्ट इस्तेमाल की जाए तो इस बात का लिहाज रखा जाए कि वो मैदे के अंदर ना जाए अगली चीज़ जिससे आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी रोज़े की हालत में सुरमा लगाए सुरमा डालने से आँख आँख के अंदर इससे भी आदमी का रोज़ा नहीं टूटता इसी तरह आँखों के अंदर दवाई डालना ड्राप्स डालना इससे भी आदमी का रोज़ा जो है वो नहीं टूटता अगली चीज़ नाक के अंदर दवाई डालना लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि वो दवाई हलक के अंदर ना जाए और इसी तरह जो है वो बीमारी के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना तो ऐसे इंजेक्शन से आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इस चीज़ का लिहाज रखा जाए कि वो इंजेक्शन ताकत वाला ना हो अगर ताकत वाला इंजेक्शन हो तो बाज़ुला के नज़दीक आदमी का रोज़ा जो है वो टूट जाता है इसी तरह आदमी रोज़े की हालत में तैराकी करता है और तैराकी करते हुए गोता लगाता है तो इससे भी आदमी के रोज़े के ऊपर जो है को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ इस चीज़ का लिहाज रखा जाए कि गोता लगाते हुए पानी जो है वो आदमी अपने मुंह और हलक के अंदर ना लेके जाए और इसी तरह आदमी रोज़े की हालत में है उसकी नक्सर फूट पड़ती है तो इससे भी आदमी के रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसी तरह एक आदमी दमे का मरीज़ है वो इन्हीलर का इस्तेमाल करता है तो इससे भी आदमी का रोज़ा नहीं टूटता ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं और चीज़ें भी हैं लेकिन इख्तिसार के साथ इन चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको कुरान और हदीस को समझने की और उसके मुताबिक मुझे और आपको अमल पैरा होने की الله بينك फ़रमाएँ وبين الله